हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी जैन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी। मेरे पिज्जा पराठा वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मुझे हरी चटनी और इमली की चटनी और केचप का वीडियो रेसिपी बताइए, तो मैं आज आपके साथ हरी चटनी की और इमली की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फिर कभी मैं आपको टमाटो केचप की भी रेसिपी बताऊँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए हरी धनिया। देखिए, मेरी हरी धनिया काफ़ी फ्रेश है, ये मेरे किचन गार्डन की धनिया है। मैं देखिए एकदम फ्रेश, अभी मैं तुरंत इसे ताज़ा तोड़कर लाई हूँ। आपको कभी मैं अपने किचन के गार्डन के बारे में बताऊँगी अपकमिंग वीडियो में। देखिए, इसके लिए चाहिए हमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च 7-8, नमक टेस्ट अनुसार, अमचूर ऑप्शनल है, नींबू भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए, एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें हम ये हरी धनिया जो मैंने 4-5 पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर ली है, उसके ऊपर उसे कट करके डाल देते हैं। नीचे के डंठल जो कड़े हैं वो उसमें नहीं डालने हैं। 5-6 कलियाँ लहसुन, 4 हरी मिर्च, मैं इसमें 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। जिसको जितना तीखा पसंद है या कम तीखा पसंद है वो इस अपने हिसाब से मिर्च डाल सकता है। बच्चों के हिसाब से आपको जितनी हरी मिर्च इसमें डालनी हो वो आप इसमें डालें। और इसके बाद हम लेंगे 7-8 काली मिर्च, इसमें डाल लेंगे हम। ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और अमचूर 1/2 टीस्पून। मैं अंदाज से डाली हूँ, आप 1/2 टीस्पून या उससे कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो करता हो वैसा आप डाल दीजिएगा। पीसते टाइम इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, जिसे मैंने दिखाया नहीं है आपको, ताकि थोड़ी चटनी पतली हो जाए। और अब इसे मैंने बाउल में निकाल लीजिए। मेरी हरी चटनी बनकर रेडी है। देखिए, बहुत ही तीखी, चटपटी, स्वादिष्ट, किसी भी खाने के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साइड में जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरे अपने